नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ये फाइनल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पहले एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद से आप लोग वीडियो को रुका रुका कर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कॉपी में आप लोग लिखिएगा और राइटिंग के साथ आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले यहाँ पर सुनिए। इसका उत्तर होगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है ना, कहलाती है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारा भारत जो देश है ना, वो एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। निजी क्षेत्र से कंपनियां लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करती है और सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियां जनकल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर आप लोग कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, तो देखिए, आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशल पूर्वक उपयोग किया जाता है। तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक कल्याण इस नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर कॉपी में लिखना और अच्छे से याद कर लेना बाबू, ठीक है ना, क्योंकि ये VVI प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है तीसरा नंबर कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, आपके गांव देहात में स्वयं सहायता समूह चलता होगा, आपकी मम्मी या फिर आपके चाची होंगी या फिर जो भी होंगे, भाभी होंगी, सभी लोग इस ग्रुप से जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो आइए हम इस स्वयं सहायता समूह के बारे में भी समझ लेते हैं। यह क्वेश्चन पक्का आएगा, लड़कियां सब लड़का सब ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, स्वयं सहायता समूह लोगों का एक संगठन है। लोगों का एक संगठन मतलब कि जैसे कि लड़कों में दोस्ती का एक संगठन होता है ना, एक झुंड होता है ना, वैसे ही औरत सब में ना एक झुंड होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, एक संगठन होता है, ठीक है ना। अब इस संगठन में इसमें लोग संगठित होकर एक दूसरे के माध्यम से धन एकत्रित करते हैं तथा समूह के जरूरतमंदों के लोगों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। मतलब दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये जो स्वयं सहायता समूह है ना, ये औरतों के लिए एक समूह होता है, एक संगठन होता है जिसमें 8 से 10 महिला होती है और 8 से 10 महिला ही आपस में मिलजुल कर पैसा को एकत्रित करती है। 10-10 रुपये, 20-20 रुपये डेली जमा करती है और एकत्रित करती है, और उन 10 महिलाओं में जब कभी किसी भी महिला का कोई मतलब कि जरूरी काम पड़ेगा ना, तो वो महिला उसमें से पैसा निकाल कर उसको दे देगी, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा स्वयं सहायता समूह, और फिर वो पैसा बाद में लौटा देगी, ठीक है ना, बहुत कम सूद ब्याज लगता है, ठीक है ना। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक दूसरे के सदस्य की सहायता करते हैं और आपसी सहयोग से लाभान्वित भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है बाबू कि साख क्या है। देखो, साख का अर्थ होता है, साख का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है बाबू, विश्वास होता है, ठीक है ना। तो उत्तर में आप लोग लिखना, साख एक प्रकार का विश्वास है, ठीक है ना, साख एक प्रकार का विश्वास है। नहीं तो आप इसके जगह पर यह भी लिख सकते हो, साख का अर्थ होता है विश्वास, ठीक है ना, क्योंकि पहला हेडलाइन आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। तो ये अच्छा है, साख एक प्रकार का विश्वास है। इसी के आधार पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को पैसा का संसाधन उपलब्ध करता है इस भरोसे पर कि दूसरे पक्ष उसे नियत समय पर लौटा दे या वापस कर दे। आप ही बताइए, अगर मतलब कि आप किसी दूसरे को पैसा देते हैं 10,000-20,000 रुपया, तो आप किसके आधार पर देते हैं। मतलब कि यही होगा ना कि आप उस पर विश्वास करते होंगे कि बंदा ये मेरे से पैसा ले रहा है तो सही समय पर वो पैसा मेरे को दे देगा, इसी कारण आप उसको दे देते होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी किया होगा कि पैसा लेकर 1 साल 2 साल 5 साल बाद पैसा दिया होगा, तो फिर वो पैसा मांगेगा तो आप देंगे, नहीं देंगे ना, बिल्कुल मना कर देंगे। तो हम उसी को साख कहेंगे जो साख जिस पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, और साख के दो पक्ष होते हैं, एक होता है ऋणदाता और एक होता है ऋणी। ऋणदाता मतलब कि ऋण को मतलब कि
मतलब कि देने वाला, और ऋणी मतलब कि जो लेता है वो होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना। और अगला आपका प्रश्न है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि पर्वतीय और पहाड़ी भागों में ढलान के अनुरूप जो कृषि कार्य किया जाता है ना, उसी को समोच्च कृषि कहते हैं। इसके तहत तीव्र दलों वाली भूमि पर मेड़ बनाकर कृषि किया जाता है। इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है बाबू, इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस दो मुख्य मतलब कि उपायों को लिखिए। तो आप कह सकते हैं कि कृषि मतलब कि समुच्च कृषि आ सकता है, इसमें आ सकता है ना बाबू। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पांच प्रश्न बताया, पांचों प्रश्नों को आप लोगों को अभी और इसी वक्त लिखकर याद करना है। सभी लोग लिखिए और याद करिए, तो फटाफट ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना बाबू, फाइनल परीक्षा के लिए, ठीक है।